दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ज़बरदस्त वीडियो प्लेयर के बारे में, एक ज़बरदस्त MP3 प्लेयर के बारे में। जी हाँ, एक प्लेयर है और आपके अनेक काम करेगा, क्योंकि दोस्तों एक प्लेयर के अंदर MP3 सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब के अंदर दे रखा है, यूट्यूब बैकग्राउंड म्यूज़िक को जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप जो है फ़ोन को लॉक लगा देंगे फिर भी आपका यूट्यूब जो है बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, चलता रहेगा। आपको कोई सॉन्ग सुनना है तो आप अपने फ़ोन का लॉक लगाने के बाद भी सुन सकते हैं। MP3 प्लेयर है, वहीं से ही आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं। इक्वलाइजर दे रखा है वीडियो प्लेयर के अंदर और इतने सारे फीचर्स हैं। PIP मोड दे रखा है, खासकर अगर आपको डबल काम करना है तो PIP मोड भी आप साथ ही साथ अपना काम भी कर सकते हैं अदर एंड आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, तो PIP मोड भी दे रखा है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं तो कि फीचर्स बताने में, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस ऐप का नाम है प्ले इट, ठीक है, प्लेयर का प्ले इट, प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है। तो देख सकते हैं ये मेरी वीडियोस हैं, सारे फोल्डर वाइज भी हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले इट इस ऐप का नेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूज़िक पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर MP3 म्यूज़िक आ गए हैं। जी हाँ, ठीक है, साउंड मैंने बंद कर दिया है नहीं तो आपको सुनाई नहीं आएगी। तो यहाँ पर MP3 म्यूज़िक प्लेयर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो प्लेयर के अंदर ही MP3 म्यूज़िक प्लेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है लिस्ट का ऑप्शन दे रखा है, यहीं से ही आप जो है लिस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर इक्वलाइजर का ऑप्शन दे रखा है, अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आपको किस तरीके से बेस बूस्टर दे रखा है, विजुलाइज़र दे रखा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिक सी चीज़ें एंड यहाँ पर रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप जो है टाइमर भी दे रखा है, कब तक आपको सॉन्ग सुनना है और कब ऑटोमेटिक ऐप भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ फीचर MP3 प्लेयर के बारे में। अब दोस्तों बात आती है इसके अंदर, एक यूट्यूब भी दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, तो फोल्डर वाइज भी सॉन्ग आ जाएंगे एंड यहाँ पर यूट्यूब दे रखा है। अभी फ़िलहाल मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, आप बोलोगे कि हमारे फ़ोन में, तो ये दोस्तों हमारे फ़ोन में यूट्यूब तो है, ठीक है, पर दोस्तों इसके अंदर क्या है मैंने आपको बताया, आप प्ले करेंगे यूट्यूब वीडियो और लॉक लगाने के बाद भी आपका सॉन्ग यह यूट्यूब वीडियो चलेगा। जी हाँ, ठीक है, वो कैसे चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे तो उसके अंदर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दे देगा, तो जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे तो आप जो बैकग्राउंड म्यूज़िक आपका यूट्यूब के अंदर चलने लगेगा, ठीक है, लॉक लगाने के बाद भी यूट्यूब आपका रन करेगा बैकग्राउंड में, ठीक है ना। तो ये हो गई दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ये प्लेयर है। तो वीडियो के अंदर मैं डायरेक्ट आ गया, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्ले कर ली है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं पूरा साउंड जो है कम कर देता हूँ एंड यहाँ पर ब्राइटनेस बार दे रखा है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है ये। दोस्तों ज़रूर आप ट्राई कीजिए, आप कोई भी वीडियो प्लेयर रखना पसंद नहीं करेंगे ना ही MP3 प्लेयर रखना पसंद करेंगे, आप यही रखिए प्ले इट और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त ये म्यूज़िक प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये, मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं रेशो को ऑप्शन दे रखा है, डबल टैप करेंगे जैसे यूट्यूब में आप जो है सॉन्ग वगैरह निकालते हैं, वीडियो वगैरह जो है फॉरवर्ड या रिवाइंड करते हैं तो डबल टैप में वो भी दे रखी है, और अगर आप सेंटर में डबल टैप करेंगे तो आपका वीडियो पॉज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको और बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आप डबल टैप जो है करके फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, डबल टैप करके पॉज्ड भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से सेटिंग है। अब दोस्तों रही कुछ एडवांस सेटिंग्स, इसकी तरह आपको कौन कौन सी सेटिंग्स दे रखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर हेडफोन बना रहा था, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया ये देखिए बैक टू वीडियो आ गया एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वीडियो प्लेयर का MP3 सॉन्ग बन जाता है। जी हाँ, एक क्लिक में ही, ठीक है, ये देख सकते हैं ऊपर हेडफोन छापा हुआ है और उसके साइड में यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाती है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप देखिए आपको इसके अंदर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लूप का मिल जाता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शंस काफ़ी सारे इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक प्लेयर है, मैं इसको करीब 10-15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर जो है इक्वलाइज़र का भी ऑप्शन मिलता है। वीडियो प्लेयर के अंदर ही आप अपने हिसाब से साउंड को कम या ज़्यादा या यूज आप जो है बेस बूस्टर भी कर सकते हैं वीडियो प्लेयर के अंदर ही, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा था यहाँ पर एक जो है PIP मोड भी है तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है रेशो आप चेंज कर सकते हैं, 18:9 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों PIP मोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं बिल्कुल आपको कुन्ने में यहाँ पर साइड में एक जो है एरो सा बना आ रहा होगा, ठीक है, एरो टाइप का यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में एरो, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया
यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। PIP विंडो खुल चुकी है और यहाँ पर अगर आपको कोई भी काम करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी काम कर सकते हैं और आपकी जो वीडियो भी बराबर चल रही है, ठीक है, ये आपने देख लिया, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसके हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से साइज़ भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आपने देख लिया साइज़ भी घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो यहाँ पर खुल चुकी है, आप कोई भी काम कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो भी देख सकते हैं। देख लिया कितना ज़बरदस्त यहाँ पर ये प्लेयर लगा मुझे। तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पर फुल स्क्रीन इसको कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों कुछ ये फीचर्स थे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।